हम अहल सुन्नत वल जमात हनफी देवबंदी हैं। हम अहल सुन्नत वल जमात हनफी देवबंदी हैं। हमें अहल सुन्नत वल जमात हनफी देवबंदी होने पर फख्र है। हमें कोई इसमें झिझक और हिचकिचाहट नहीं है। इसकी वजह तो कई हैं। अहल सुन्नत हैं, रसूलुल्लाह सल्लम को मानते हैं, आखिरी पैगंबर मानते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की सुन्नत को हम दुनिया और आखरत में कामयाबी की जमानत समझते हैं। वल जमात हैं सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन, तमाम के तमाम उनको हुज्जत मानते हैं, मियार हक मानते हैं, तनकीद से बाला तर मानते हैं, राहबर रहनुमा मानते हैं और अपना ईमान समझते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लम का दीन उसको दुनिया में पहुँचाया सहाबा ने और हम सही पैगंबर का वारिस अव्वल सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन को समझते हैं। हनफी हैं, इमाम मालिक को मानते हैं, इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफी को मानते हैं, इमाम अहमद बिन मोहम्मद बिन हम्बल जिन्हें इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं मानते हैं, लेकिन इन सबसे बड़े इमाम आज़म अबू हनीफा नुमान बिन साबित हैं। हम उनको मानते हैं इसलिए कि सबसे पहले मसाइल शरीयत को उसूलों से निकाल कर उन्होंने मुदव्वन फरमाया है और उम्मत पर एहसान किया है, इसलिए हम खुद को हनफी कहते हैं और फख्र समझते हैं। उसके बाद हिंदुस्तान के कस्बा देवबंद में बनने वाला मदरसा दारुल देवबंद, जिसने पूरी दुनिया में इस्लाम को असली शक्ल में पहुँचाया, फैलाया, बचाया और तहफ़्फ़ुज़ किया है, हम अपनी निस्बत उसकी तरफ करते हुए खुद को देवबंदी कहने में फख्र महसूस करते हैं। है या नहीं? सबको ऊंची आवाज़ से हम इस पर फख्र करते हैं, हम झिझक से काम नहीं लेते। और ये बात ये नशीन फरमा लें, मैं सारी मिसालें नहीं देता, सारे अकाबिर के नाम नहीं गिनवा रहा, लेकिन ये जहन में रख लें अगर आपने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का मिजाज और मिशन देखना हो तो मौलाना कासिम नदवी सिद्दीकी को देखिए, हज़रत उमर का मिजाज और मिशन देखना हो मौलाना अशरफ अली थानवी फारूकी को देखिए, अगर उस्मान गनी का मिशन मिजाज देखता हो अलामा शबीर अहमद उस्मानी मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी को देखिए, हज़रत अली का मिजाज और मिशन देखना हो तो हज़रत मौलाना मुर्तज़ा हसन चांदपुरी को देखें, अलामा अनवर शाह कश्मीरी को देखें, शेखुल अरब अल आजम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी को देखें। यहाँ सहाबा कराम के मिजाज का इम्तिजाज है, इसलिए हम ये बात फख्र से कहते हैं। और मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया का वो मुसलमान जो हमसे मोहब्बत करता है, हमसे उल्फत करता है और हमसे ताल्लुक़ रखता है, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि खुद को देवबंदी कहने में फख्र महसूस करें और एक इंच भी इस मौक़िफ़ से ना पीछे हटे हैं और ना पीछे हटेंगे इंशाअल्लाह। ये बात ठीक है, गलत है? हमें उलमा की मौजूदगी में बात बड़े वसूख से कह रहा हूँ। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि बस औकात बिला वजह हमें यह कह दिया जाता है देवबंदी ना को अकाबिर का मिजाज नहीं है, बुजुर्ग ये नहीं चाहते। मुझे ये बात समझाएं कि हमारे पाकिस्तान में एक वफाक अहले तशय्यो का है, एक वफाक गैर मुखल्लिदीन का है, एक मैं दीनी मदारस की बात कर रहा हूँ, एक वफाक शिया का है, एक गैर मुखल्लिदीन का है, एक बरेलवियों का है और एक वफाक हमारे यहाँ जमात इस्लामी का है, एक वफाक देवबंद का है। अगर हमारे अकाबिर ही चाहते हैं हम देवबंदी न कहें तो फिर पाँच वफाक ख़त्म करके एक वफाक बना दें। पाँच वफाक किस लिए रखे? ये पाँच वफाक हमने बनाए हैं, ये मरकज़ आलो सुन्नत वल जमात ने बनाए हैं, आलमी इत्तेहाद आलो सुन्नत ने बनाए हैं। पाँच वफाक हमने नहीं बनाए, हर मसलक के अकाबिर ने बनाए। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ अगर बरेलवी देवबंदी और यह अहले हदीस अगर ये अकाबिर कहते हैं अभी ये नस्बत ख़त्म कर दें, वफाक ख़त्म कर दें। वफाक आपने बनाए हैं, हमारे अकाबिर ने बनाए हैं, हम अपने वफाक को लेकर चलते हैं। पाकिस्तान में किसी दीनी मदरसे ने रजिस्टर्ड होना हो, हुकूमत पूछती है आप कौन हैं, देवबंदी, आप कौन हैं अहले हदीस, आप कौन हैं बरेलवी, हम कहते हैं मुसलमान, वो कहते हैं नहीं नहीं सही बात बताओ तुम कौन, अहले हदीस बरेलवी देवबंदी, लिखवाना पड़ता है।
मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, उलमाए देवबंद का माना यह नहीं है किसी को गालियां दें, उलमाए देवबंद का माना यह नहीं है बिलावजह फतवेबाजी करें, उलमाए देवबंद का माना यह नहीं है किसी की बिलावजह गर्दन उड़ाए, खूनरेजी करें, कत्ल व गारत करें, मुल्क में फसाद करें, इसका माना देवबंदियत नहीं है। उलमाए देवबंद के कारनामे ने पूरी दुनिया में दावत तबलीग का काम उलमाए देवबंद ने किया है, पूरी दुनिया में दीनी सियासत का काम उलमाए देवबंद ने किया है, पूरी दुनिया में तफसीर और हदीस का इलम उलमाए देवबंद ने पहुँचाया है, पूरी दुनिया में फिका का इलम उलमाए देवबंद ने पहुँचाया है। खानकाहें चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया, सोहरावर्दिया, ये खानकाहों को उलमाए देवबंद ने आबाद किया है, तज़किया नफ्स उलमाए देवबंद ने किया है। और पूरी दुनिया में मैं ये बात खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ, जिस कदर अमन के दाई और कत्ल व गारत के मुखालिफ हम उलमाए देवबंद हैं और कोई नहीं हो सकता। ये बात ठीक है गलत? हम उलमाए देवबंद का माना ये नहीं कि बंदे मारो, उलमाए देवबंद का माना ये नहीं फिरका वरीद की आग भड़काओ, देवबंद का माना हरगिज ये नहीं है कि इंतशार फैलाओ। देवबंदियत अमन का नाम है, अखलाक का नाम है, अखलाकी कदरों का नाम है, दीन के फैलाने और तहफ्फुज़ का नाम है। इसलिए हम इस नस्बत पे फख्र महसूस करते हैं और पूरी दुनिया के वो हजरात जिनको दारुल देवबंद से बराए रास्त, दियार देवबंद से बिला वास्ता या बेवास्ता फैज मिला है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा आप इस नस्बत से पीछे ना हटें, आप ये नस्बत खत्म न करें और कहो कि हमें ये फैज उलमाए देवबंद से मिला है। हमें ये फैज किन से मिला है? उलमाए देवबंद से मिला है। फिर झिझक किस बात की? अगर कोई हमारे बारे में ये मशहूर करता है कि देवबंदी दहशत गर्द है, अमल से साबित करो हम दहशत गर्द नहीं है। अगर कोई हमारे बारे में कहता है फिरका वरीयत की आग जलाते हैं, अमल से साबित करो हम फिरका वरीयत की आग नहीं जलाते। हमने कब ये बात की? अगर नामूस रिसालत का कानून हुकूमत से उलमाए देवबंद ने मंजूर कराया है तो इसका माना सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का तहफ्फुज़ नहीं है, हद आदम से लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया का तहफ्फुज़ किया है, जिसमें तो मूसा अलैहिस्सलाम भी है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी है और सबसे आखिर में सरवर आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। तो हम इस नस्बत फख्र करते हैं, हम इसमें झिझक से काम नहीं लेते। मेरी आपसे भी गुजारिश है कि आप झिझक से काम न लें बल्कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने हमें और अमन, मुतदिल, फिरका वारियत, तशद्दुद और बदतरीन कत्ल वारत से पाक मसलक मसलक उलमाए देवबंद अता फरमाया है। अल्लाह हमारे अकाबिर की कबर पे करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए और अल्लाह हमें अपने अकाबिर के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। Message TV, this is your channel. This is your channel.